रेडी स्टार्ट। उक्त विवादक को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है। स्टॉप। विधिक सलाहकार प्रार्थी के द्वारा बहस करते हुए तर्क दिया है कि प्रार्थी का विवाह है प्रार्थिया के साथ दिनांक 18/11/2009 को खैरतल किशनगढ़ बास अलवर में बिना किसी दान दहेज के संपन्न हुआ था। स्टॉप। विवाह के पश्चात प्रार्थी व अप्रार्थिया के नुतफे से पुत्री भूमिका पैदा हुई। स्टॉप। विवाह के कुछ समय पश्चात ही अप्रार्थिया का व्यवहार प्रार्थी के प्रति क्रूर हो गया। स्टॉप। अप्रार्थिया ने छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा आदि करना शुरू कर दिया तथा प्रार्थी के चरित्र पर शक करने लगी। स्टॉप। अप्रार्थिया घर का कोई काम नहीं करती थी, न खाना खिलाती थी और न ही खाना बनाती थी। स्टॉप। विधिक सलाहकार अप्रार्थिया के द्वारा बहस करते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थी एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है। स्टॉप। उक्त तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का मेरे द्वारा गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। स्टॉप। पैरा। इसके विपरीत अप्रार्थिया लता NAW1 ने अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में कथन किया है कि उसका विवाह किशोर चंदवानी के साथ दिनांक 18/11/2009 को संपन्न हुआ था। स्टॉप। उसके पिता ने बड़ी धूमधाम से विवाह किया था, जिसमें सोने की चूड़ी, सोने की चैन, कपड़े, बर्तन इत्यादि सामान दिया था। स्टॉप। ससुराल जाते ही प्रार्थी व उसकी माँ उसको प्रताड़ित करने लगे तथा सास मनहूस करके बोलती थी। स्टॉप। प्रार्थी व उसकी माँ बहिन बहनेव विवाह के पश्चात से ही उसको कम दहेज का ताना मारते थे तथा बात बात पर उसको सबक सिखाने के लिए और जलील करने के लिए गाली गलौज करते थे। स्टॉप। उसको अपने पिता से कार व 2 लाख रुपए लेकर आने के लिए प्रताड़ित करते थे। दाती व उसकी माता नानकी देवी उसके साथ मारपीट करती थी तथा उसे कमरे में बंद कर देते थे और नौकरानी की तरह व्यवहार करते थे। स्टॉप। सभी व्यक्ति मिलकर उसको शारीरिक व मानसिक यातनाएं देते थे और उक्त सभी ने उसका जीवन नरकीय बना दिया था। स्टॉप। प्रार्थी तथा उसकी माँ बहन व बहनें के अत्याचार उसके प्रति अत्यधिक बढ़ गए तथा प्रार्थी शराब पीकर उसको गंदी गंदी गालियां देता था और उसके साथ मारपीट करता था। स्टॉप। सिगरेट पीकर सिगरेट उसके हाथ में लगाता था, जिसके निशान उसके हाथ में हैं। स्टॉप। उसको उसकी दूध पीती बच्ची को दूध तक नहीं पिलाने देते थे। स्टॉप। नवंबर 2011 में उसके करीब 2 माह का गर्भ था, लेकिन प्रार्थी उसकी माँ व बहनें व बहन द्वारा जबरदस्ती मुंह पकड़कर गर्भपात कराने के लिए दवा दिलाई गई, जिससे पेट में पल रहे बच्चे का गर्भपात हो गया। स्टॉप। प्रार्थी उसकी माँ बहनें वह बहिन ने दिनांक 4/3/2013 को उससे कहा कि उसे और उसकी बेटी को घर में रहने दो और
अपने बाप से कार और 2 लाख रुपए लेकर आ। इस पर उसने कहा कि समय आने पर उसके पिताजी सारी मांग पूरी कर देंगे। इतना सुनकर राती आग बबूला हो गया और उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की तथा जिसमें प्रार्थी की माँ व बहन बहनों द्वारा सहयोग किया। इसको उसका समस्त स्त्री धन रख लिया और प्रार्थी उसको व उसकी पुत्री को मात्र पहने हुए कपड़ों में खैर तल छोड़ गया तथा कहा कि उसका बाप कार और 2 लाख रुपए देवे तो आ जाना, नहीं तो वहीं अपने बाप के पास रहना। इष्टो उसने पीहर आकर ये सारी बात अपने माता पिता को बताई। इष्टो इस पर उसके माता पिता ससुराल गए और इन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन ये नहीं माने और अपनी मांग पर अड़िग रहे। इष्टो उसके माता पिता ने दिनांक 21/7/2013 को खैरतल में घर पर पंचायत की जिसमें उसके पिता हरिराम, माता राधा देवी, भाई किशोर राजेश, किशोर और प्रार्थी, उसकी माँ व बहनें व बहन भी मौजूद थे। इष्टो पंचायत में उसके माता पिता व अन्य लोगों ने प्रार्थी, उसकी माँ, बहनें व बहन को काफी समझाने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि कार व 2 लाख रुपए दोगे तो ही लड़की को रखेंगे, नहीं तो लड़के की दूसरी जगह शादी कर देंगे। इष्टो प्रार्थी, उसकी माँ, बहनें व बहन दहेज के लोभी हैं जिन्होंने अपनी मांग पूरी न होने पर उसे व उसकी बच्ची को घर से निकाला हुआ है। इष्टो पुलिस थाना खैतल में प्रार्थी व उसके परिवार के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 237/13 धारा 498/406 भारतीय दंड संहिता दर्ज हुई जिसमें प्रार्थी व उसकी मां की गिरफ्तारी हुई और उसमें न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगढ़ बास जिला अलवर में धारा 498/406 भारतीय दंड संहिता के तहत चालान पेश किया गया जो विचारणीय है।